जी तो यूनिट नंबर थ्री जो है ये है एडमन स्पेंसर के हवाले से हु लिव्ड फ्रॉम 1552 टू 1599 एंड इट इज द सेम टाइम पीरियड इन विच वी हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो का नाम शामिल है क्रिस्टोफर मार्लो भी इसी टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं और उन्होंने ड्रामा के अंदर ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है वो विलियम शेक्सपियर का है विलियम शेक्सपियर जो है वो भी इसी टाइम पीरियड के अंदर ही आप ये कहें कि ही आल्सो रेड एडमंड स्पेंसर और एडमंड स्पेंसर जो थे ही वाज कनेक्टेड विद द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ठीक है मलका एलिजाबेथ के साथ ये एसोसिएटेड थे उनके कोर्ट के साथ उनके दरबार के साथ तो इस यूनिट में जिन चीजों को गो uh, थ्रू करेंगे वो समर्ट रिलेट करती हैं टूअर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज एज वेल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमंड स्पेंसर एंड हिज पोएट्री ठीक है तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि रेनेसा क्या होता है वट uh, इज द एज ऑफ रेनेसा ठीक है उसके बाद इंग्लिश पोट्री इन अर्ली रेनेसा स्पेंसर एंड रेनेसा के स्पेंसर का क्या ताल्लुक था रेनेसा के साथ स्पेंसर द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड द रेफॉर्मेशन

जिसमें इनकी परवरिश होती है फादर इनके जो थे वो क्लोथ मेकर थे वालदा के बारे में हम कुछ नहीं जानते चूंकि क्लोथ मेकर थे मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे सो ही हैड मनी सो ही स्कूल और उस स्कूल के जो हैड मास्टर थे उनका नाम था मलकेस्टर। मलकैस्ट। मलकेस्टर के अंडर स्पेंसर जो है उन्होंने सीखा उन्होंने काफी कुछ इंग्लिश सीखी इंग्लिश से मोहब्बत सीखी और यहाँ पर ही उन्होंने अपनी फर्स्ट जो थी ट्रांसलेशन उनका आगाज किया ठीक है इसके बाद उस टाइम पीरियड में एक तो स्प्लिट ऑलरेडी हो चुकी थी रोमन कैथोलिक चर्च में और प्रोटेस्टेंट चर्च में प्रोटेस्टेंट जो थे वो इट सेल्फ देवर बींग्रुप उसमें एक एंग्लिकन ग्रुप था और दूसरा जो था वो प्योरिटन ग्रुप था ठीक है स्पेंसर जो था इसने अपना प्योरिटन ग्रुप की साइड ली पॉलिटिक्स में ये मिलिटेंट प्रोटेस्टेंटिज्म जो पार्टी थी उसके साथ ये एसोसिएट हुए और उसके हेड जो थे वो लाइसेस्टर थे इसके बाद कैम्ब्रिज में एडमिशन लेते हैं वहां पे इनकी दो दोस्त लोगों से दोस्ती होती है एक हार्वी है और एक एडवर्ड किर्क है ठीक है डिग्री मुकम्मल करते हैं डिग्री मुकम्मल करने के बाद ये जो है आ, शायर जो के वहाँ पे मतलब के कैम पजीर होते हैं वहाँ पे ही फेल इन लवमे और ये औरत जो है इनकी लिटरेचर में रोजा लैंड के नाम से अपीयर होती है खातून जो थी उसको इट्स से, हर सेल्फ जो है वो आ, आप ये कि कोई लाइकिंग नहीं थी स्पेंसर की ठीक है और स्पेंसर बजाय इसके कि मायूस होते उन्होंने फ्रेश एफर्ट्स की कि वो अपने आप को रुतबे में बुलंद करें और इसकी मोहब्बत जो है उसको जीत सकें ठीक है हार्वी जो कि उनका दोस्त था उसकी एडवाइस पर लंडन गए वहां पे अर्ल ऑफ लाइसेस्टर जो है उनके साथ इनकी मुलाकात हुई उनके साथ इनको इंट्रोड्यूस कराया गया स्पेंसर जो थे चूंकि शायरी में उनकी दिलचस्पी थी वो लिखना उनको आता था उस दौर में आपको पता है कि जो आर्टिस्ट होते थे उनको पेट्रन किया जाता था यानी कि दरबार जो थे उनके लिए आप ये कहें उनको रकम दिया करते थे जैसे हमारे यहाँ मुगल दौर में हुआ करता था कि जो भी शायर थे उनके वजीफे की मुकर किए जाते थे तो अर्ल जो थे दी अर्ल ऑफ लाइसेस्टर ही गॉट इम्प्रेस्ड विदर एंड अपॉइंटेड हिम ऑन सेक्रेटेरियल असाइनमेंट यानी कि वो अब आप ये कहें कि गवर्नमेंट की मशीनरी में इस तरीके से दाखिल होते हैं स्पेंसर जब ऑफ लैक्सेस्टर के घर में मुलाजमत कर रहे थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात अब ये अर्ल्स जो होते हैं ये नवाब की सेंस में आप ये होता है कि इनको अपॉइंट किया जाता था गवर्नमेंट की जानब से और इनके पास एक मतलब कि पोजीशन होती थी टाइटल होते थे ये। बड़ी बड़ी जागीरें भी होती थी तो इनके पास बड़े बड़े लोग आया करते थे वहां पर इनकी मुलाकात सर फिलिप सिडनी से हुई फिलिप सिडनी जो थे ये भी इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम है अपोलोजी फॉर पोइट्री इन्होंने किताब लिखी है उसमें से आप शायद आपको गो थ्रू करने का चांस मिले तो सर फिलिप सिडनी के साथ इनकी लाइफ लॉन्ग जो है वो फ्रेंडशिप डेवलप होती है यहाँ पर अब वो चूंकि एक खास तबके का हिस्सा बन चुके थे और उस तबके में उनको पता था कि शायर जो है उनको वैल्यू किया जाता है तो ही डिसाइडेड ही इज़ गोइंग टू बिकम वो शायरी को अपना कैरियर के तौर पर अपनाने का सोचने लगे तो 1579 के अंदर उन्होंने अपनी पहली पोएम शेफर्ड कैलेंडर इसको पब्लिश किया और इसकी पब्लिशिंग के बाद जो उनके कंटेप्री यानी कि जो हम अक्सर शायर थे उन्होंने दर्जे के शायर के तौर पर रिकगनाइज किया

एक ऐसा मास्टर पीस है कि जिसकी वजह से उनको द पोइट पोएट का टाइटल दिया गया बाय चार्ल्स लैम ठीक है अब ये टाइटल्स जो होते हैं ये आप नहीं याद रखने चार्ल्स लैम ने एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट यानी कि शायरों का शायर जो है उसका टाइटल दिया इसके अलावा कुछ और उनकी नजमें हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने लिखी है ठीक है Collins' Cloud Come Home Again, it was published in 1595. Complaints, nine miscellaneous poems, uh, they appeared in 1591. Definida and Elegy, it was published in 1592. Epthalmian, uh, it was published in 1595. prothelmian. it was published in 1596. And Astrophel, Astrophel, jo hai,

लेटर लिटरेचर ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर का फॉल होता है कॉन्स्टेंटिनोपल जो है यानी कि वो फता होता है टर्किश एम्पायर के हाथों तो वहां पर जितने क्रिश्चियन स्कॉलर्स थे वो अपनी किताबें अपने साथ लेकर अपनी जान बचाकर भागते हैं और वो इटली जो है इटली के अंदर वो दाखिल होते हैं ठीक है थीके? अब जब वो लोग अपने साथ अपनी किताबें लेकर आते हैं तो वो यूरोपियन लोग के जिनकी वो बेसिक लर्निंग थी वो दोबारा से उन किताबों में उनकी दिलचस्पी पैदा होती है वो उनको पढ़ते हैं और वो जो लॉन्ग लास्ट आप ये कहें कि यूरोपियन ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन थे उनमें दोबारा से लोगों की दिलचस्पी पैदा होती है तो यहाँ से फिर ये मूवमेंट इटली से इसका आगाज हुआ और ये पूरे यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई फोर्टीन सिक्सटीन सेंचुरी मुख्तलिफ के अंदर आप ये कहें कि ये पूरा टाइम पीरियड है यूरोप के अंदर इट इज नोन एज दसा टाइम पीरियड ठीक है इटली इसकी और इटली जो है इत, इट इज़ द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ रेनेसा यहाँ से रेनेसा का आगाज होता है ठीक है जहां तक इंग्लैंड का ताल्लुक है मतलब कि इटली में तो इसका आगाज फोर्टीन सेंचुरी आप ये कहेंगे इंग्लैंड के, के अंदर ये जो लिटरेचर के हवाले से रेनेसा है इट रीच इन सॉरी इट रीच इन फिफ्टीन सेंचुरी पंद्रहवीं सदी जो है उसके अंदर आके इंग्लैंड में रेनेसा पहुंचती है ठीक है और यहाँ पर आके एक वो आइडियलिज्म लोगों के अंदर पैदा होता है दोबारा से शायरी के हवाले से ठीक है क्योंकि जोफरी चौसर के बाद कोई भी इंग्लिश पोट्री में कोई खास को शायर आया नहीं था ठीक है तो लोगों को एहसास हुआ कि हम दोबारा से शायरी भूल चुके हैं तो दोबारा से एक इंटरेस्ट पैदा हुआ लिटरेचर के अंदर ठीक है तो रेनेसा में इसमें क्रिस्टफा मार्लो का भी अहम किरदार है मार्लो को भी द चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है उसने मतलब तो कि मेकाविली से इंस्पिरेशन लेकर तो मेकाविलियन अप्रोच जो है उसको अपने प्लेस के अंदर रिफ्लेक्ट किया है क्रिस्टाफ मार्लो हैं एडमंड स्पेंसर हैं विलियम शेक्सपियर हैं विलियम लैंगलैंड हैं ठीक है, 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 है। ये मुख्तलिफ़ शायर हैं जिनको औरजिनेटर्स ऑफ द रिसा कहा जाता है और फिर इन्होंने इसी रेनेसा के स्परिट के तहत वो जो स्पिरिट रीबर्थ ऑफ नॉलेज और द इन क्लासिकल लर्निंग उसी के तहत उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इन्होंने मास्टर पीसेज लिखे ठीक है अब अगर हम देखें तो जो हमने ऑलरेडी वर्क पढ़ा है चौसर का तो उसमें वो जैफर से इंस्पिरेशन मांगता है टू कंप्लीट द पोए ठीक है जब हमने एक्सप्लेनेशन डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था तो ये जो ट्रेडिशन है कि जब आप कोई poem, जब आप आप कोई कोई लेंथी पोएम एपिक लिख रहे होते हैं और उसमें आप इंस्पिरेशन मांगते हैं यह ट्रेडिशन आता है एंशियंट ग्रीक एंड लेटर्न लिटरेचर से तो पुराने जमाने के जो रोमन लिटरेचर था या जो ग्रीक लिटरेचर था उसमें जो एपिक्स लिखी जाती थी उन एपिक्स के आगाज में एक इंस्पिरेशन होती थी और इसी इंस्पिरेशन को फॉलो किया अब एक आप को ये मैं रिनेसा की एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एग्जांपल रिनेसा की ये है ठीक है कि हम ये कहें कि इन्होंने इंस्पिरेशन वहाँ से लिया स्पेंसर को जब हम देखेंगे तो वो भी कहीं से इंस्पिरेशन लेता है उसके बाद जब हम पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन देखेंगे तो उसमें भी वो जो है वो हेवनली म्यूज की जो है वो हेल्प सीक करता है

तो इसमें दो तीन नाम जो है वो बड़े मशहूर है एक सर टॉमस वाइट का नाम है ठीक है दूसरा नाम जो है वो सरे सरे का है। अर्लफ सरे जो है, जो नेम वाज हेनरी हार्वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है तो ये जो दो नाम है इनको अर्लियर ओरिजिनेटेड द इंग्लिश पोइट्री ऑफ दान कहा जाता है ठीक है uh, <coughs> सरे जो थे हेनरी है, है, हार्वर्ड ही वो बड़े सख्त मिजाज किस्म के आदमी थे और हर वक्त उनकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े जारी रहते थे ठीक है अर्ली कैरियर जो है उनका होल कैरियर जो है इसी में कभी वो लड़ रहे हैं कभी वो नज्म में लिख रहे हैं कभी आराम कर रहे हैं मतलब कि इसी तरीके से और अल्टीमेटली 1547 के अंदर जो हैंनरी बादशाह था इंग्लैंड का उन्होंने इनका सर कलम करवा दिया चार्जेस लगाए गए ट्रीजन के यानी कि इसने जो है वो गद्दारी की है अब हेनरी हार्वर्ड का जो दोस्त था जो हम असर था या जो उनका फॉलोअर था वो था था टॉमस वायट वायट का नाम भी ऊपर मैंने डिस्कस किया जो दो तीन शायरों के मैंने नाम लिए <coughs> वायट जो है ही लिव्ड लॉन्गर और इन्होंने <coughs> अपनी शायरी को इटालियन मॉडल्स पे फॉलो किया अब इटालियन मॉडल्स जो थे वो इट सेल्फ क्लासिकल जो, जो लेटर और आपको बताया ग्रीक मॉडल्स जो थे उनको फॉलो कर रहे थे ठीक है और उसमें जब हमने डिस्कस किया था चौफर को तो उसमें हमने एक नाम लिया था बोकाचियो का और एक हमने नाम लिया था पेट्रॉक का ठीक है तो टॉमस वाइट जो है इन्होंने इटालियन मॉडल्स और इटालियंस में इन्होंने पेट्रॉक के जो मॉडल्स थे उसको इन्होंने फॉलो किया और अब ये मॉडल से मुराद क्या है कि जो रिदमिकल पैटर्न होता है इनकी जो रिदम है जो मीटर होता है पोएम का उस मीटर को इन्होंने फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी नजमें जो थी इन्होंने कंपाइल की अब एक चीज बड़ी मशहूर है ब्लैंक वर्स ठीक है कि जिसको क्रिस्टोफर मार्लो ने भी किया और विलियम शेक्सपियर के हवाले से कहा जाता है कि उसने परफेक्शन पर पहुंचाया तो बेसिकली ब्लैंक वर्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो था यानी कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद द ब्लैंक वर्स था वो टॉमस वाइट ने किया था ठीक है वाइट ने के मॉडल्स को उठाया उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया ठीक है उनको मॉडिफाई किया और इस मॉडिफाइड फॉर्म को विलियम शेक्सपियर ने अडोप्ट किया मार्लो ने अडॉप्ट किया और इसी को हम जो है वो ब्लैंक वर्स के नाम से जानते हैं एनियड की जो ट्रांसलेशन है एनियड इज एन एंशियन Epic, है, उसको ट्रांसलेट किया हो, या चाहे हो, या चाहे Marlo, या सारे लोग जो है इनकी बेसिक इंस्परेशन जो है वो टॉमस वाइट और, और आखिरी नाम इस हवाले से सर फिलिप सिडनी का ठीक है सर फिलिप सिडनी जो थे और फिलिप सिडनी जो हैं इन्होंने अपने लिटरी वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं 1578 टू 1582 जो मोस्ट नोटेबल चीज़ है इनकी फिलिप सिडनी की वो इनकी अपोलॉजी फॉर पोइट्री है दैट वाज रिटन इन 1591 अपोलॉजी फॉर पोइट्री जो है इट इज़ अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म जिसके अंदर वो डिफेंड करते हैं शायरी के ऊपर अटैक्स जो के प्योरिटन ने किए थे प्योरिटन जो थे वो रिलीजन की प्योरिटी चाहते थे और वो ये चाहते थे कि ह्यूमन लाइफ जो है उसके अंदर कोई भी आप ये कहें कि ये इस किस्म की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जो कि इमेजिनेटिव नेचर की हूँ जो कि लोगों को से आता है ठीक है तो देवर अगेंस्ट पोट्री और उन्होंने पोट्री के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए उन इल्ज़ाम का जो आंसर था वो सर फिलिप सिडनी की जानब से अपोलोजी फॉर पोट्री के अंदर दिया गया अब जहाज भी मशहूर था एंगलिकनिज़म के भी कुछ फॉलोअर्स थे और रोमन कैथोलिक चर्च के भी कुछ फॉलोअर्स थे तो अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स ऑफ ईच एंड एवरीवन देयर वर सम ग्रुप्स हु लाइकड हिम और जो कि उसको एडमंड uh, स्पेंसर के इक्वल समझते थे एंड देयर वर सर्टेन पीपल के जो कि ये समझते थे कि इज एन आर्टिफिशियल सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल रेनेसां को हमने डिस्कस किया कि रेनेसां क्या थी रेनेसां मूवमेंट क्या थी ठीक है उसके हवाले से थोड़ा सा जाहिर मतलब कि टिप ऑफ द आइसबर्ग आप कहें कि हमने उसको टच किया ठीक है इसके बाद हमने जो सर्टन सिग्निफिकेंट नेम्स थे ऑफ द रेनेसम पोइट्री जिसमें विलियम शेक्सपियर का नाम भी शामिल है जिसको स्पेशल एक जो है वो यूनिट डेडिकेट किया गया है उसको भी हम देखेंगे आगे जाकर उनका नाम आया सर फिलिप सिडनी का नाम आता है ठीक है तो अब ये के स्पेंसर जो है इनका रहनेसा से और इनका रेफर्मेशन से इनका क्या ताल्लुक है ठीक है अब एक जानेब तो जो यानी रेपुटेशन है आ, स्पेंसर की इसकी जो रेपुटेशन है वो एज सेज एंड सीरियस स्पेंसर भी है यानी कि ये सीरियस किस्म का शख्स था और इंतहाई दाना किस्म का शख्स था ठीक है और दूसरी जानब जो है इसकी एक रेपुटेशन है एज अ ह्यूमनिस्ट ठीक है कि एक ऐसा इंसान के जो कि जिंदा है और जो कि अपने अंदर आप ये कहें ब्यूटी की हिस्स रखता है और रोमांस जो है रोमांस से मुराद होता है इमेजिनेशन ठीक है जब हम रोमांस की बात करते हैं जब हम रोमांटिक की बात करते हैं तो असेंशली उससे हमारा मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज इमेजिनेटिव ठीक है तो यानी कि उसके अंदर सगेस्टी भी पाई जाती है उसके अंदर ह्यूमनिज भी पाया जाता है यानी कि वो ह्यूमैनिटी को एज इट इज के जैसे इंसान होते हैं जिनकी फीलिंग्स हैं जिनके इमोशंस हैं जो के मतलब के अपना गुनाहगार भी हैं और अच्छाई भी रखते हैं ठीक है वो इंसानों को एज ह्यूमन पोर्ट्रे करता है और एट द सेम टाइम वी फाइंड एन एलिमेंट ऑफ रोमेंस इन हिम ठीक है फेरी क्वीन के अगर हम हवाले से पर्टिकुलरली बात करें जिस पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस करना है उसके हमने कैंटो वन में से गो थ्रू करना है तो उसके हवाले से उसके अंदर ये सारी चीजें सगेस्टी भी पाई जाती है सगेस्टी जो है अगर आप देखें कि अखलो दानिश इस पर्सपेक्टिव में है कि वो रिलीजियस एलिग्री है और वो उस एलिग्री के जरिए जो रेफॉर्मेशन का एलिमेंट है अपने माशरे के अंदर यानी कि रिफॉर्म चाहता है जो रिलीजियस जो एग्जिस्टिंग सेंटिमेंट्स हैं जो रिलीजियस बिलीफ हैं लोगों के उनको वो रिफॉर्म करना चाहता है थ्रू दिस के ठीक है और जहां तक जो है वो ह्यूमनिस्ट या ह्यूमन है कि जी तो वो उसमें कैंटो में ही रेड क्रॉस नाइट का करेक्टर जो है जब हम उसको देखेंगे तो और उसके साथ ऊना का करेक्टर है तो हम उनके अंदर वो जो ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन इमोशंस होते हैं वो आ, उनका बहाव और उन ह्यूमन इमोशंस के अगेंस्ट जो रिएक्शन है वो भी हमें दिखाई देगा इसके बाद इमेजिनेशन की बात आती है तो इमेजिनेटिव करेक्टर्स जो है मतलब के बीस्ट्स की फॉर्म में जो है वो भी उसके आप ये कहें कि इस फेरी क्वीन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ठीक है तो यानी कि आप ये कहें कि फेरी क्वीन जो है वो स्पेंसर की उसकी ह्यूमैनिज्म और उसके रोमांस की आप ये प्राइम एग्जांपल है ये सारी चीजें जो हैं ब्लेंड होके इस फेरी क्वीन के अंदर जो है वो मौजूद हैं और वो हमें देखने को जो है वो मिलती हैं अब स्पेंसर की ये जो हाई आइडियल्स थे यानी कि वो अपने माशरे को रिफॉर्म करना चाहता था शायरी का उसने तरीक़ाकार अपनाया फिर शायरी के अंदर उसने इंट्रोड्यूस कराया ठीक है ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ एडमंड तक मुहित नहीं रहीं ठीक है जो उसके ये आइडियल से या जो उसका तरीकाकार था इन आइडियल ने बाकी जो उसके बाद में आने वाले शायर हैं उन शायरों को भी इसने मुतासिर किया ठीक है और इसी असना पर यानी कि जो फ्यूचर में आने वाले पोएट्स हैं उन पोइट्स को जब इसने इन्फ्लुएंस किया उन पोइट्स में आप ये कहें कि जॉन मिल्टन का भी नाम आता है उसमें अलेक्जेंडर पोप का भी नाम है जॉन राइडन का भी नाम है और इवन के विलियम शेक्सपियर का नाम आप अगर लेना चाहें तो वो भी गलत ना होगा जॉन कीट्स एल्फर्ड टेनिसन ये सारे लोग जो है ये अपने ऊपर एडमंड स्पेंसर का इन्फ्लुएंस जो तो है उसको एक्नॉलेज करते हैं वो ये कहते हैं कि वाकई वी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोएट्री एंड द पोएटिक स्टाइल ऑफ एल्डम स्पेंसर और इसी बुनियाद पर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए चास लैम जो है वो ये कहता है कि ये जो uh, चास लैम जो है वो इसको टाइटल देता है पोइट्स पोइट का शायरों का शायर ठीक है और वो ये कहता है कि अगर चासर को हम ये टाइटल दें कि इज द फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री तो अगर हम ये कहें कि एडमंड इंग्लिश पोएट्री तो ये बात गलत ना होगी ये बात बिल्कुल ठीक होगी क्यों क्योंकि उसने इन्फ्लुएंस जो है अपना बहुत ज्यादा एग्जर्ट किया है ठीक है और ये इन्फ्लुएंस जॉन की सेल्फेड टेनिसन जॉन ड्राइडन अलेक्जेंडर पोप रॉबर्ट ब्राउनिंग टेनिसन विलियम मॉरिस यहां तक इसका इन्फ्लुएंस जो है वो चाहता है यानी कि ये सारे लोग जो है ये इंस्पिरेशन हासिल करते हैं स्पेंसर से अब हम ये कहें कि स्पेंसर एक इंतहाई आइडियल किस्म का शक शायर था तो ये बात भी गलत होगी ये बात गलत इस सेंस में होगी कि विलियम शेक्सपियर की जब हम पोट्री को देखते हैं या जब हम जॉन मिल्टन की पोट्री को देखते हैं तो इनकी पोइट्री जो है वो ज्यादा आप ये कहें कि पावरफुल है एज कंपेयर टू एडमंड स्पेंसर जहां तक इसकी लिमिटेशंस का ताल्लुक है तो जितनी स्प्लेंडेड लैंग्वेज या जितने स्प्लेंडेड आइडियाज विलियम शेक्सपियर के हैं उतनी स्प्लेंडेड लैंग्वेज जो है और इतने स्प्लेंडेड आइडियाज एडमंड स्पेंसर के नहीं हैं लेकिन हमें देखना ये होगा कि जिस ब्लैंक वर्स को विलियम शेक्सपियर इस्तेमाल करता है उस ब्लैंक वर्स को आप ये कहें ऑफ़ sort of उसको इंट्रोड्यूस करने वाला या जिस आ, के पैटर्न को बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करने वाला या इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो है वो एडम स्पेंसर ठीक है इसी तरीके से जब जब हम उसको मिल्टन के साथ कंपेयर करते हैं तो मिल्टन जो है वो अपने आइडियाज वर्ड्स यानी कि थोड़े अल्फाज में

उसकी पोएम जो है वो नैरेटिव नेचर की है जैसे कोई कहानी बयान की जा रही होती है ठीक है वो इस तरीके से इस अंदाज में यानी कि वो लंबा करता है अपनी आइडियाज को इसके अलावा एक और जो मेजर ऑब्जेक्शन एडमंड स्पेंसर के मास्टरपीस द फेरी क्वीन के ऊपर है और वो आप ये कहें कि ऑब्जेक्शन सिर्फ एक جانب से नहीं बल्कि मल्टीपल क्रिटिक्स जो हैं वो इस चीज को इस चीज को आप ये कहें कि हाईलाइट करते हैं पॉइंट आउट करते हैं इसमें ड्राइडन का नाम है इसमें अपटन का नाम है ठीक है ये मुख्तलिफ लोग है, हैं मुख्तलिफ क्रिटिक्स हैं ह्यूज का नाम है जो कि आप ये कहें कि तनकीद करते हैं फेरी क्वीन के ऊपर और जो मेन तनकीद है वो है कि यूनिटी ऑफ डिजाइन और यूनिटी ऑफ एक्शन ठीक है यानी कि दो चीजें जो हैं वो लैक करती हैं इसके अंदर यूनिटी ऑफ डिजाइन एंड यूनिटी ऑफ एक्शन ग्रीक प्लेज अगर आपने पढ़े हो अगर आपको ग्रीक जो है वो क्रिटिसिज्म इसका पढ़ने का मौका मिला हो एरिस्टॉटल का तो एरिस्टोटल जो है वो ये कहता है कि एक अच्छी ट्रेजिडी एक अच्छी पोइम जो भी होती है ड्रामे के हवाले से वो खासकर बात करता है वो ये कहता है इट शुड ऑफ एक्शन यानी कि जो चीजें जो आप किरदार दिखा रहे हैं वो किरदार एक दूसरे से मुंसलिक हों सब किरदारों का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप हो जैसे वो इडिपस वैक्स जो है उसकी वो प्राइमरी एग्जाम्पल देता है उसके बाद यूनिटी ऑफ द टाइम यानी कि जो प्ले है या जो भी चीज सीन डिस्क्राइब किया जा रहा है वो एक सर्टन टाइम लिमिट के अंदर उसको कंप्लीट होना चाहिए अब फेरी क्वीन का सबसे बड़ा मसला है इसका यूनिटी ऑफ एक्शन यानी कि फेरी क्वीन जो है किताब जो है वो फेबल्स पर मुश्तम है ठीक है आ, हर एक फेबल के अंदर हर एक एडवेंचर के मतलब कि मुख्तलिचर हैं और मुख्तलिफ एडवेंचर्स में हमें मुख्तलिफ नाइट्स दिखाई देते हैं पहली पोइम पढ़ेंगे आप उसमें रेड क्रॉस नाइट है। इसी तरीके से जब उसकी दूसरी जल्द आती है बुक टू तो उसमें दूसरा नाइट है थर्ड बुक आएगी तो उसमें अलग से नाइट होगा और वो अलग से मास्टर्स और उनका वो जो सामना करेगा यानी की हर एक किताब जो है वो अलग से एक एलिग्री है अब ऐसा नहीं कि हर किताब के अरदार जो है वो अलग है बल्कि बादशन इज नॉट इनफ टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ एक्शन इन द पॉइंट ठीक है तो यूनिटी ऑफ एक्शन का ना होना जो है वो एक इसके ऊपर प्राइमरी ऑब्जेक्शन है हर्ड जो है वो इस ऑब्जेक्शन का आंसर देते हैं वो ये कहते हैं कि स्पेंसर जब अपना मास्टर पीस तेहरी को लिख रहा था तो एक्चुअली ही वॉज नॉट फॉलोइंग द क्लासिकल मॉडल यानी कि वो जो लेटिन मॉडल्स से या वो जो ग्रीक मॉडल्स से जब हम उनके कंपैरिजन में देखते हैं तो हमें यही ऑब्वियसली हम भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इसके अंदर यूनिटी ऑफ द एक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन वो ये कहता है कि आप इस पोएम को भौतिक टर्म्स में देखें ठीक है

मल्टीपल हेड्स वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है उसके बाद फिर हमें अः दिखाई देता है ठीक है यानी कि मुख्त और इसी तरीके से बाकी जितनी किताबें हैं उन किताबों के भी अंदर हमें मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर हम इस किताब को फिर क्वीन को मतलब गौतिक परस्पेक्टिव में देखें तो फिर हमें इसके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है ये किताब जो है या ये जो नजम है इट सेल्फ ये अपने आप को जस्टिफाई करती है और अपने आप को फुलफिल करती है तो हुड ये कहता है कि स्पेंसर इस चीज की कोशिश कर रहा है कि वो मतलब कि गौदिक ट्रेडिशन और क्लासिकल यूनिटी जो है उसको साथ साथ लेकर चले ठीक है अब ये चंद लिमिटेशन सी इसकी फेरी क्वीन की और एडमंड स्पेंसर की जो कि हमने डिकस की ठीक है जो कि यानी कि आप ये कहें कि शॉर्ट कमिंग्स भी आप इनको कह सकते हैं कि ये उसके अंदर खामियां हैं या sort of, उसके अंदर नकायशी लेकिन इसके बावजूद आ, जो है वो मैंने आपके सामने जिन लोगों के नाम लिए कि वो उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्परेशन है कि वो उससे इंस्परेशन लेते हैं ठीक है तो इसी वजह से इसको मुख्तलिफ़ के टाइटल दिए गए चार्ल लैम्प ने इसको टाइटल दिया था द पोइट ठीक poet, है इसी तरीके से इसको द प्रिंस ऑफ के टाइटल से भी जाना जाता है ये मुख्य तो टाइटल्स हैं जो कि इसको इसकी शायरी की वजह से या इसकी शायरी की खिदमत की वजह से आप ये कहेंगे दिए जाते हैं उसके बाद फिर इसने मेलोडी यानी कि वो जो न, वर्सिफिकेशन का एलिमेंट जो था रिदम जो था उसको इंट्रोड्यूस कराया ठीक है तो चासर जो है उसने इंग्लिश लैंग्वेज को इस लाइक like बनाया कि उसने फर्स्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपनी पोइट्री को कंपोज किया स्पेंसर जो है उसने उसी इंग्लिश लैंग्वेज को मिलेडियस एंड स्वीट बनाया यानी कि उसके अंदर म्यूजिकल टच जो है या रिदमिकल टच जो है वो स्पेंसर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है म्यूजिक रिदम को इंट्रोड्यूस करवाने के अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जिसको या फाइनल मतलब कि उसकी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जिसको हम इस के अंदर डिस्कस करेंगे वो है उसकी imagery. Imagery जो है, आ, आपको पता है यूज ऑफ द वर्ड्स दैट क्रिएट इमेजेस इन आवर माइंड ठीक है नाउ दीज इमेजेस कैन बी ऑफ विजुअल नेचर ऑफ ऑडिटरी नेचर ठीक है और इमेजरी के परस्पेक्टिव में स्पेंसर uh, जो है ही इज वेरी रिच रिच उसने किस्म के इमेजेस जो है उनको इस्तेमाल किया मिसाल के तौर पे यहाँ पे लाइन uh, लिखी है द ट्रीज सो स्ट्रेट एंड हाई अब ये लाइन पढ़ने के बाद आपके जहन में एक जंगल का इमेज जो है वो आ जाता है इमेजरी से रिलेटेड मजीद सीन जो है जब हम इसकी पोएम पढ़ेंगे फेरी क्वीन पर्टिकुलरली जब उसका कैंटो वन से uh, उसमें वन से लेकर स्टैंड टेन तक जब हम उसको रीड आउट करेंगे तो उसमें वो जो ड्रैगन की केव की डिस्क्रिप्शन आएगी या इवन के नाइट की जो नाइट डिस्क्रिप्शन है वहीं पर ही आपको जो है वो उसकी आप ये कहें कि सेंसुअसनेस और जो उसका है यानी कि उसकी थॉट्स कितनी रिच हैं वो आपको शुरू की लाइन के अंदर ही जो है वो नजर आ जाएंगी नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिक्शन और वर्सीफिकेशन के हवाले से वर्सीफिकेशन पे ऑलरेडी हमने गुफ्तगू की कि इसने स्पेनसेरियन स्टेंजा जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें उसने उटावा राइमा यानी कि जो के जिस स्टेंजा फॉर्म के अंदर जेफ्री चासर लिखता है उसके अंदर एक लाइन ऐड की और उसको स्पेनसेरियन स्टेंजा कहा जाता है तो इस स्टेंजा को और इसकी सिग्निफिकेंस को भी हम इस हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे इसके अलावा डिक्शन जो है वो मेन हमारा यहाँ पे टॉपिक है डिक्शन क्या होती है डिक्शन होती है लैंग्वेज यानी कि जो अल्फाज का चुनाव है ठीक है <coughs> अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा मैटर करता है इन ऑर्डर टू कन्वे आइडियाज ठीक है मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं जो कि मुख्तलिफ तबकात के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रेंड यानी कि दोस्त जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिगर का वर्ड भी इस्तेमाल होता है यार का वर्ड भी इस्तेमाल होता है वाकिफ यानी के जानने वाला है वो, वो भी वर्ड इस्तेमाल होता है और भी बेताशा वर्ड हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं फ्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए तो हर एक वर्ड जो है वो मुख्त तबके में मुख्तलि के लिए इस्तेमाल होता है स्पेंसर जो है उसने जिसर के बाद इंग्लिश लैंग्वेज को और इंग्लिश लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री या या फिर लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर के तौर पे इस्तेमाल किया ठीक है अब आपको जहन में ये रखना होगा कि ये वो टाइम पीरियड है कि जिस टाइम पीरियड के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज की वैल्यू थी लेटिन लैंग्वेज की वैल्यू थी शायर जो थे वो अपनी शायरी के अंदर चाहे वो शायरी लोकल यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही लिख रहे हैं ठीक है बाकी जितने भी पोइट्स हैं उस एज के ये जितने भी राइटर्स हैं उस एज के तो अगर हम उनकी आप ये देखें कि लैंग्वेज को देखें तो वो उसके अंदर लेटन वर्ड्स का इस्तेमाल भी करते हैं वो उसके अंदर फ्रेंच वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं और वो अल कई एक्सप्रेशन यानी कि वो एक्सप्रेशन जो कि मौजूदा आप ये कहें कि इंग्लैंड के अंदर इस्तेमाल नहीं होते थे बल्कि थोड़े तो से ओल्ड थे उनको भी वो अपनी पोट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा एक और जो बड़ा अहम डिफरेंस था लैंग्वेज का वो था द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल यानी कि जो दरबारी लोग थे वो लोग जो कि बादशाह के, के दरबार के साथ मुंसलिक होते थे उन लोगों का एक अपनी एक अलग से लैंग्वेज थी वो चूंकि दरबार के साथ मुंसलिक थे वहां पर एजुकेटेड लोगों का आना होता था वहां पर फ्रेंच एम्बेसडर्स वगैरह और एजुकेटेड लोग क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को या फिर लेटिन लैंग्वेज को बोलना प्रेफर करते थे तो उनकी वोबलरी जो थी यानी कि दरबार के अंदर जो ज़बान होती थी वो इंग्लिश कम फ्रेंच कम लेटिन यानी कि वो इन सारी जबानों का मजमु था आम आदमी जो था वो अनएजुकेटेड था उसके लिए फ्रेंच लैंग्वेज को सीखना जो था वो मुमकिन नहीं था उसको सीखने के लिए कहीं से आपको लैंग्वेज सीखना पड़ती थी जैसे हमने जो फ्री रिचा के हवाले से डिस्कस किया तो वहां पर हमने जब नन प्रायरस की बात की तो वहां पे हमने बताया कि उसने स्कूल से लैंग्वेज सीखी थी तो द फ्रेंच लैंग्वेज पर्टिकुलर स्कूल ठीक है तो इसी तरीके से लेटन लैंग्वेज जो थी वो पादरियों की जबान थी यानी कि जो रिलीजियस पीपल थे आपके वो लेटिन लैंग्वेज के अंदर ही टीचिंग्स दिया करते थे लेटिन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे अब ये सारी लैंग्वेजेस जो थी ये सुपीरियर थी यानी कि लैटिन फ्रेंच जो थी दे वाज़ सुपीरियर एज कंपेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज लेकिन स्पेंसर का कमाल ये है कि उसने यहाँ पर कोर्टली इंग्लिश और इंग्लिश ऑफ द कॉमन पीपल इसको उसने मिक्स किया है ठीक है यानी कि वो चीजें कि जिस पर बाकी इंग्लिश राइटर्स अपने आप को प्राउड फील करते थे उस चीज को या उस लैंग्वेज को उसने इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसने लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन और जो ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको एम्प्लॉय किया वो उन्हीं के वर्ड्स जो है वो अपनी पोट्री के अंदर इस्तेमाल करता है तो इसकी वजह से उसकी पोट्री के अंदर फ्लैक्सीबिलिटी आती है क्रिटिक्स कहते हैं कि ये उसकी वीकनेस है ये उसकी कमजोरी है और यानी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और इवन के बेन जॉनसन बेन जॉनसन बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे शेक्सपियरियन एज के और बेन जॉनसन जो है वो शेक्सपियर के पाए का राइटर था लेकिन ये है कि शेक्सपियर जो था ही वाज रोमांटिक इन नेचर बेन जॉनसन जो था वो क्लासिकल इन नेचर था तो इस वजह से बेन जॉनसन का नाम हमें कम सुनने को मिलता है हालांकि बेन जॉनसन जो है उसके प्लेस के अंदर विलियम शेक्सपियर ने एक्टर के तौर पे काम किया था ठीक है उसके बाद विलियम शेक्सपियर जाके एक्टर कि अच्छा राइटर था तो के बारे में तो वो ये कहता है कि स्पेंसर जिस जबान में उसने लिखा वो जबान एग्जिस्ट नहीं करती एजुकेटेड सर्कल्स थे उनमें वो लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती थी अब अब जाहिर है हर एक बंदे का एक अपना मौकफ़ होता है और वो मुख्तलिफ आप ये कहें कि पॉइंट ऑफ व्यू लिटरेचर के, के स्टूडेंट्स के सामने रखे जाते हैं उसमें से हमने अपना एक आइडिया निकालना होता है तो बहरहाल अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना जो है वो एक आप ये कहें कि बहुत अच्छी बात होती है मदर लैंग्वेज को सर्व करना बहुत अच्छी बात होती है तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि उसने ठीक किया अच्छा जगहों पे ऐसा होता है कि वो सेंटेक्स के रूल्स को मॉडिफाई करता है ठीक है यानी कि वो जुमला जिस सीक्वेंस में होना चाहिए उस सीक्वेंस में नहीं लिखता तो का मीनिंग चेंज कर देता है जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसे थोड़ा सा वो चेंज कर देता है लेकिन इन चीजों का लाइसेंस जो होता है पोइट के पास होता है कि वो आप ये कहें कि स्ट्रक्चर को भी मॉडिफाई कर सकता है और वो मीनिंग्स को भी मॉडिफाई कर सकता है ठीक है ये लाइसेंस कहा जाता है और वो उसका स्पेंसर जो है वो इस्तेमाल करता है तो इस चीज के ऊपर भी कोई तनकीद हम ये कहें कि नहीं हो सकती अच्छा वर्सीफिकेशन के वाले से अब ये सारी हमने गुफ्तु की उसकी डिक्शन के वाले से यानी कि वो जो अल्फाज का चुनाव है या जो अल्फाज का इस्तेमाल है या वो जो वकेबलरी इस्तेमाल करता है पोइम ठीक है जो दूसरी मेन कंट्रीब्यूशन है उसकी वो हैसेरियन स्टेंजर ियन स्टेंजा की डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि नौ लाइनों पर यह स्टेंसा मुश्तमल था जिसको इंट्रोड्यूस कर अब इसमें भी तनकीद की जाती है कि जी चौसर जो था उसने जो कि आठ लाइनों का स्टेंसा इंट्रोड्यूस कराया था जिसको ऑक्टा रहा जाता है ठीक है तो इसने क्या किया कि उसने सिर्फ एक लाइन ऐड कर दी उसके अंदर लेकिन बहरहाल इनोवेशन तो है अब उसकी इनोवेशन है उसको हमें एक्नोलेज भी करना चाहिए ठीक है और जब हम ये बात करते हैं कि स्पेंसर जो है ही इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि ये मुख्तलिफ किस्म के शायरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्परेशन है तो वो इंस्परेशन जो है उसका स्टेंजा जो है स्पेंसेरियन स्टेंजा जो है यहां से हमें पता चलता है कि वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कितने लोगों के लिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल्स लिखी है इट इज एम्प्लॉयड बाय टॉम्पन इन इन द कास्टल ऑफ एंडोलेंस जॉन कीट्स जो है उसने ईव ऑफ सेंट एग्नीज इसके अंदर इसको इस्तेमाल किया है शैले जो है वो द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम के अंदर इस्तेमाल करता है और लॉर्ड बायरन जो है वो चाइल्ड हॉरल्स पिलग्रिमेज जो है इसके अंदर अपने इस स्पेनसेरियन स्टेंजा को एम्प्लॉय करता है यानी कि इतने बड़े-बड़े राइटर्स हैं कि जिन्होंने आ, स्पेंसर का जो इनोवेशन थी जो उसका इन्वेंटेड स्टेंजा था उसको एम्प्लॉय किया ठीक है अब इस स्टेंजा को कंपेयर किया जाता है विद वेव्स यानी कि ये जो स्टेंजा है इट इज जस्ट लाइक द वेव्स दैट गो इन द सी कि आठ लहरें आ रही हैं और जो आखिरी नाइन्थ वेव है वो उन आठ वेव से थोड़ी सी ऊंची है क्योंकि आठ लाइनें जो हैं वो यकसा हैं बराबर है नाइन्थ लाइन जो है वो थोड़ी सी उससे बड़ी है ठीक है क्योंकि उसके अंदर बारह सिलेबल्स हैं ठीक है थीके? वो हेक्सा मीटर है तो ये इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी आप ये कहें कि लैंग्वेज के, के हवाले से या जो उसकी शायरी है वो किस तरीके से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना ठीक है जिनको हमने डिस्कस किया अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक किताब के हवाले से रहता है वो है फेरी क्वीन एज एन एलिगरी ठीक है तो फेरी क्वीन एज एन एलिग्री जो है उसको डिस्कस करने की हमें यहाँ से देखने की एज सच जरूरत नहीं है अगर हमें जरूरत महसूस होगी तो हम उसको जब हम नजम को डिस्कस करेंगे तो उसके उसके बाद जो है वो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेंगे ठीक है कि एलिग्री तो बहरहाल इससे पहले कि हम नजम की जाने मूव करें आप एलिग्री की डेफिनेशन सिर्फ देख ठीक है फेरी क्वीन एज एन एलिग्री तो एलिग्री जो है इट इज़ टर्म दैट हैजाइव फ्रॉम ग्रीक टर्म एलिगोरिया ठीक है और एलिगोरिया मीनस स्पीकिंग अदरवाइज यानी कि दूसरी बात करना या दूसरे अंदाज में बात करना तो एज अ रूल एन एलिग्री इज अ स्टोरी इन वर्स और इन प्रोज विदीनिंग एलिग्री जो होती है ये वो स्टोरी होती है कि जो कि एक स्टोरी एक्सप्रेस की जा रही होती है हाउ एवर इट कैरीज डबल मीनिंग यानी कि इसके अंदर टू लेयर्स ऑफ मीनिंग्स जो है वो पाई जाती है, है? अब प्राइमरी और सरफेस मीनिंग एंड सेकेंडरी और दी अंडर द सरफेस मीनिंग यानी कि दो मीनिंग प्राइमरी मीनिंग एक तो वो वाज़े जो कि हमें कहानी के अंदर जैसे फेरी क्वीन को देखेंगे रेड क्रॉस नाइट है ऊना है डुसा है उसके बाद वो मॉन्स्टर आएगा फिर आर की मागो है तो ये सारे करेक्टर्स हैं ये ए, एक तो हमें ये कहानी नजर आ रही है ठीक है <coughs> दूसरी जाने मीनिंग है अब मीनिंग जो है उसमें हमें जो है वो रेड क्रॉस नाइट जो है वो हमें ईसाइत की है। जितने भी ईसाई हैं वो उनका रिप्रेजेंटेटिव दिखाई देता है ठीक है और इसी तरीके से बाकी करेक्टर जो हैं वो भी किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन है और फिर अल्टीमेटली उनका एक आपस में रिलेशन है जो कि पोएम को जब हम कंप्लीट करते हैं या जब हम उसमें से गो थ्रू करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम एज वी मूव इन टू द पोएम तो वो जो रिलेशन है वो ऐसा ऐसा क्लियर होता चला जाता है तो एलेग्री की डेफिनेशन आप जहन में रख लें कि एलेग्री इज अ स्टोरी जो कि मल्टीपल लेवल्स पे काम करती है सरफेस लेवल पे और मीनिंग होता है डीपर लेवल पे जब हम उसको देखते हैं तो उसका मीनिंग और होता है So that would be all for uh, the first part of this unit. In our second part, we are going to discuss the text of the Fairy Queen uh, and we are going to explain it in detail.